वडाला रेलवे पुलिस ने हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन पर स्टंट करने वाले चार युवकों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक मुमरा और अन्य तीन कुर्ला के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले इन चारों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह चलती ट्रेन में लटक कर स्टंट करते नजर आ रहे थे। ये घटना 25 जुलाई की है जब चुनाव भट्टी से जीटीबी नगर के बीच ये लोग स्टंट कर रहे थे। मुंबई में उपनगरीय लोकल ट्रेन में प्रथम श्रेणी के कोच के पंखे में एक सांप को लिपटा देखकर यात्रियों में खलबली मच गई। घटना गुरुवार सुबह टिटवाला CSMT लोकल ट्रेन की है। ये सांप सिर के ऊपर लगे हैंडल बार पर लिपटा हुआ था जिसे टिटवाला छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की लोकल ट्रेन में ठाणे स्टेशन पर पहुंचने के दौरान देखा गया। लोगों ने रेलवे और पुलिस को तत्काल सूचित किया। रेल अधिकारियों और पुलिस ने सांप को बाहर निकाला। मुंबई के मस्जिद स्टेशन पर उस समय एक अजीबोगरीब घटना घटी जब बेटिकट यात्रा कर रहा एक शख्स टीसी से बचकर भाग गया। हालांकि वह बेजुबान जानवर को ट्रेन में ही छोड़ गया। ऐसी स्थिति में रेलवे अधिकारी भी असमंजस में पड़ गए और उन्होंने बकरी को अपनी कस्टडी में रख लिया है। यही नहीं, रेलवे अधिकारी नन्ही बकरी का खास ख्याल भी रख रहे हैं। रेलवे की तरफ से अब बकरी को नीलामी के लिए रखा गया है जिसकी कीमत 3,000 रुपये तय की गई है। पलटन फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर तूफान मच रहा है। इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको बॉर्डर फिल्म की जरूर याद आ जाएगी। दोनों ही फिल्म के निर्माता JP दत्ता हैं। YouTube पर कुछ ही घंटों में 21 लाख से ज्यादा बार ट्रेलर देखा जा चुका है। यही हाल रहा तो पलटन का ट्रेलर जल्द ही YouTube पर टॉप 10 में ट्रेंड करने लगेगा। अनुभवी फिल्म निर्माता JP दत्ता अपनी आगामी फिल्म पलटन के हर नए कंटेंट की रिलीज के साथ प्रतीक्षा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कप्तान विराट कोहली ने संकट में घिरी टीम इंडिया में अपने जुझारू शतक की बदौलत नई जान फूंक डाली। रनों के भूखे कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपने दम पर भारत को 274 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। मजे की बात यह है कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की धरती पर कप्तान के तौर पर अपनी पहली ही पारी में शतक जड़ दिया। 149 रनों की पारी खेलकर उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है।